स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी गांव में स्ट्रॉबेरी। हाँ, आपका दिमाग सही है, यहाँ बेचोगे कहाँ? अरे मंडी में ये आटा आटा नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, इतनी डिमांड है? हाँ, अयोध्या मंडी में। अच्छा जी, 1000 स्क्वायर फीट में हमें इसमें ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। हाँ, हमको मिल गया तो इसी में हम मस्त रहते हैं और पूरा दिल लगा के काम करते हैं इसमें, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। पूछने भी वाला था। जनपद अयोध्या के प्रगतिशील किसान श्री हरिश्चंद चौरसिया जी ने इतिहास रच दिया है मित्रों। गांव के क्षेत्र में बिना मिट्टी के इजराइल विधि से हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं और उनके इस मॉडल को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आज कर्नाटका के बेल्लारी से वहां के विधायक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग आए हुए थे मित्रों, तो बहुत ही गौरव का विषय है और अयोध्या के लिए गर्व की बात है। ये देखिएगा, इनका पूरा मॉडल है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा, यहाँ पर पूरा आपको दिखाएंगे। देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इनका पूरा मॉडल जो है विकसित किया गया है। इस खेती का नाम है मित्रों हाइड्रोपोनिक खेती, इजराइल विधि की खेती बोलते हैं। बिना मिट्टी की खेती होती है और इसमें जो है परंपरागत खेती से 5 गुना अधिक उत्पादन कम लागत में आप ले सकते हैं, ये देखिएगा। और इसमें जो है इनको नाबार्ड के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है। और अयोध्या के मित्रों, ग्राम पंचायत बसवार खुर्द में खड़ा हूँ, ये हरिश्चंद चौरसिया जी की उन्नत खेती है। और पहले भी मित्रों एक जबरदस्त प्रगतिशील किसान हुआ करते थे हमारे हरिश्चंद चाचा, लेकिन जब से इनको हाइड्रोपोनिक की सौगात मिली है, इनको जो है पंख मिल गए हैं, अब ये गांव से इंटरनेशनल किसान बन गए हैं। और आज खुशी की बात है मित्रों कि जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दिलवाई, ये करनाल गए थे घरौंडा में, इस चीज की पूरी ट्रेनिंग इन्होंने ली थी, वहां पे इंडो इजराइल सीईवी सेंटर है करनाल में, वहां पे इनकी पूरी ट्रेनिंग हुई थी। तो आप देखिएगा, आज जो है कर्नाटका की पूरी टीम आई है, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी सर हैं ओंकार सेवा संस्थान के। तो आइए हरिश्चंद चाचा से बातचीत करते हैं। चाचा जय सियाराम। जय सियाराम। पहले परंपरागत खेती करते थे जी, फिर जो है आपको हाइड्रोपोनिक खेती की सौगात मिली और मैं देख रहा हूँ कि एक साल में जो है आपने इतिहास रच दिया। अब जी, हमको मिल गया तो इसी में हम मस्त रहते हैं और पूरा दिल लगा के काम करते हैं इसमें, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। कोट पैंट पहन के भी काम कर सकते हैं। मैं पूछने भी वाला था जी, जी। एक दिन मैं इनका वीडियो देख रहा था, कोट पैंट टाई लगा करके इसमें खेती कर रहे हैं जी, जी। भाई इसमें मिट्टी चाटा लगना नहीं है, कितनी भी बारिश हो जाए चाहे जो हो जाए। एक बात बताइए चाचा, आपको तो खेती का बहुत अच्छा अनुभव है, आप इतने सालों से परंपरागत खेती सब्जी की खेती कर रहे थे, परंपरागत खेती में और खेती की इस नई तकनीक जिसको हाइड्रोपोनिक खेती बोलते हैं, क्या अंतर आप पाते हैं? अंतर इसमें बहुत कुछ पाया जाता है। हम एक बार इसमें सब कुछ कर दिए हैं, अब उसके बाद हमको इसमें पौधे लगाना है बस। उत्पादन किसमें ज्यादा है, इसमें कि उसमें? नहीं, उत्पादन 1000 स्क्वायर फीट में हमें इसमें ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। हाँ, अभी तक इसमें जो है कौन कौन सी फसल आप उगा चुके हैं? अब इसमें पहले तो हम शुरू में धनिया बोए, अच्छा, उसके बाद गोभी लगा दिए, पत्ता गोभी भी लगा दिए, फिर इसमें जो है पालक भी लगवा दिए हैं, अच्छा, फिर उसके बाद में इसको सब खत्म करके स्ट्रॉबेरी लगवाए। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी गांव में स्ट्रॉबेरी। हाँ, आपका दिमाग सही है, यहाँ बेचोगे कहाँ? अरे मंडी में ये आटा आटा नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, इतनी डिमांड है? हाँ, अयोध्या मंडी में। अच्छा जी, जब से ये रामलला का मंदिर बना तब से कुछ अट नहीं रहा, यहाँ पर बहुत अच्छा रेट जा रहा है। और हमने सुना चाचा आप जो है रंगीन शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम और पीली कैप्सिकम भी उगा रहे हैं। हाँ सर जी, इसमें 5 फ्लोरों पर वो भी था, अच्छा, 200 रुपए किलो वो भी थोक रेट में यहाँ से जाता था। मार्केटिंग की कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हाथों हाथ बिक जाता है। अयोध्या में जितना हॉस्टल है, हर एक आदमी फोन करता था हमारे लगे, अच्छा, और जो हमारे पास माल रहा तो मैं फोन करके वो चले आते थे हमारे यहाँ सीधा, बिल्कुल 2 किलो 4 किलो उनको चाहते सजाने के लिए। जब से चाचा ये चाइनीज आइटम तमाम बनते हैं ना, उसमें इसकी डिमांड बहुत रहती है। हाँ, डिमांड ठीक है। चलते चलते एक आखिरी सवाल चाचा, हम सुने कभी आप देश परदेश बाहर कमाने नहीं गए, सिर्फ खेती से सारा घर द्वार बेटवा बिटिया पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब इसी से करते हैं? अभी हम कोनो शहर नहीं गए, किसी शहर कमाने नहीं गए, लखनऊ तक गए हैं। बाकी लोग बोलते हैं खेती में पैसा नहीं है, लोग बाहर चले जाते हैं परदेश कमाने। 5 बच्चे का मान के चलिए पढ़ाई लिखाई, हाई स्कूल इंटर अभी पढ़ा रहा हूं। बच्चे को इंजीनियर बनाओगे कि अच्छा हाईटेक किसान बनाओगे, बताओ? नहीं सर, अब हम तो यही सोच रहे हैं कि हम किसान बना दे, लेकिन हाईटेक वाला। क्या बात, पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे, पढ़ रहे हैं हमारे। ताली बजनी चाहिए भाई, क्योंकि मित्रों एक किसान है ना, वो बेचारा मजबूरी में किसानी कर रहा है, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं चाहता कि वो भी किसान बने, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं मित्रों कि किसान आए दिन परेशान है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ में ओंकार सेवा संस्थान के डायरेक्टर हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी सर, जिनके प्रयासों की वजह से, इनके मार्गदर्शन में ये पूरी परियोजना शुरू हुई है अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र बसवार खुर्द में। आइए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने हरिश्चंद चौरसिया जी के माध्यम से इतनी बढ़िया सौगात हमारे ग्रामीण क्षेत्र को दी है। आज जो है देश विदेश के लोग देखने आ रहे हैं, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब काम को पहचान मिलती है तो निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जी। और हमने जो है इस गाँव में सबसे पहले हरिश्चंद चौरसिया जी है, जमुना मौर्या जी है, कुलदीप जी है,
तो इन सभी किसानों को हम करनाल ले गए और वहाँ पर जो घरौंदा में सब्जी का अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर वहाँ पे इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और हूबहू उसी तकनीकी को अपना करके इन्होंने खेती शुरू की। उसके बाद जो है डीडीएम नाबार्ड कमलेश यादव जी के मार्गदर्शन में हाइड्रोपोनिक सिस्टम 1,000 वर्ग फीट में इनका स्थापित है। इसमें जो है ये बिना मौसम की भी सब्जी तैयार करते हैं और सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि कम जमीन में ज्यादा उत्पादन हम ले सकते हैं, कीटनाशक का प्रयोग कम करना पड़ता है और कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पानी की भी बचत होती है क्योंकि सिंचाई के लिए इन्होंने ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है, टपक टपक बूंद बूंद पानी की जो है बचत हो रही है। बिल्कुल, तो हर एक तरीके से ये जो है तकनीकी जो है आने वाले हमारे समय में चूंकि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है और खेती का रकबा कम हो रहा है ऐसे में ये तकनीकी बहुत ही उपयोगी है। वर्टिकल फार्मिंग जो है, वर्टिकल फार्मिंग बहुत ही उपयोगी है। और चाचा जैसे अभी क्षेत्र में हरिश्चंद चाचा को मिला है तो हम चाहते हैं कि आप अपने संस्था के माध्यम से अन्य किसानों को भी आप ये जो है परियोजना दिलवाइए। बिल्कुल, हम डीडीएम साहब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि और सुल्तानपुर जनपद में भी 5 किसानों के यहाँ ये स्थापित होना है, उसका प्रस्ताव नाबार्ड वहाँ के डीडीएम साहब ने भेजा हुआ है तो बाकी किसानों को भी लाभ मिले इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक इनको मिला है और एक राहुल चौरसिया। हाँ, एक राहुल चौरसिया को मिला है, बाकी सुहावल विकासखंड में विवेक सिंह जी हैं वहाँ पे है और 2 यूनिट लगी हैं मवई विकासखंड में, मतलब आने वाले टाइम में अन्य किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा जरूर। तो मित्रों आप देख सकते हैं हरिश्चंद चाचा जी के इस हाइड्रोपोनिक मॉडल को देखने दूर दूर से गाँव के लोग आ रहे हैं। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आइए बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? बिंदा प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ये मॉडल आपने इससे पहले जीवन में देखा था? नहीं देखा था। अच्छा, हाँ। कुछ समझ आया कैसे हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया है। तो ये खेती आप भी अपनाना चाहते हैं? चाहते हैं। ठीक है, हाँ। तो चलिए आप भी सूर्यकांत त्रिपाठी सर के टच में रहिए, आपका भी जरूर होगा। तो मित्रों आप ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है लोग इस तकनीक को सीखने आ रहे हैं और इसको अपनाएंगे भी। धन्यवाद।